चलिए इसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, और आपके पास कुछ फॉर्म अवेलेबल होती है जिनसे आप मैच कराते हो बिगनिंग लेवल पे, है ना। ये पावर 1/2 है और dx है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा ax का a आ जाएगा और b का 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम a लिख देते हैं। ऐसा करते ही, लेकिन यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा a एडजस्ट करने के लिए। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ये आपका क्या हो गया fx है, तो ये क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/fx^n+1/n+1, मतलब ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2+1/1/2+1, और एक इनडेफिनिट कांस्टेंट सी। इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/2+1 क्या हो जाएगा आपका 3/2, यहाँ भी आपका 3/2 आएगा, तो 3 नीचे रह जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या दिख रहा है 2/3 है। थोड़ा कायदे से लिख लेंगे तो, है ना, तो ये हो गया आपका 2/3, तो ये आपका आंसर हो गया।